तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गोंड, नोएडा इंडिया से। आज हम बात करेंगे शेवरलेट की युवा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि आइडल पे तो चलो गाड़ी चलाते हैं, उस टाइम में जैसे ही रेस छोड़ते हैं या ब्रेक लेते हैं तो बंद हो जा रही है बिना एसी के। तो ये हो रहा है 5 बार में 1-2 बार हो रही है, लेकिन एसी तो चली ना रही है। एसी ऑन करते क्लुक बंद। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे क्यों हो रही है। और मुझे जहाँ तक गाड़ी चेक करके पता पड़ रही है कि इसके थ्रोटल बॉडी में कमी है, तो थ्रोटल बॉडी रिपेयरिंग का पूरा वीडियो आज जाने वाला है। और गाड़ी कंप्लीट करेंगे एसी ऑन करके, तब सेट वेट करेंगे, ट्रायल लेंगे, ठीक है। तो ये है शेवरलेट की युवा है, और इसमें प्रॉब्लम भी मज़ेदार है भाई। स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही एसी चलाते हैं हम, अब जैसे एक्सीलेटर देकर छोड़ा, सात सौ पे है ना, अब जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं, कहाँ गया ये देखो, आरपीएम देख रहे हो कहाँ जा रहा है, बंद हो गए। अब जैसे ही मैं एसी ऑन करता हूँ ना, इसकी कहानी यही है, एसी जैसे ऑन किया बंद हो गए। चाबी ऑन है भाई, एसी ऑन किया बंद। तो यही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखेंगे कहाँ से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हम डायग्नोस करेंगे आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है। और इंजन में हल्का सा हैंटिंग भी है तो उसे भी चेक करेंगे, और पिकअप भी कम है इसमें तो पिकअप को भी देखेंगे। स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट है, स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ हल्की सी लेट। तो ये देखो आरपीएम देख रहे हो ना, ये अपने आप चल रहा है आरपीएम, ये देखो इतना कम पे आ गया, एसी ऑन है। और यही तेज रेस लेके छोड़ो ना, एसी ऑन है देखो, और आरपीएम देखो कितना पे, ये कम हो बंद हो गया। तो ये कहानी है, इसे चेक करते हैं तसल्ली से। देख रहे कैसे धड़ 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 कर रही है, चेक लाइट भी आ रही है इसमें, ठीक है, चेक लाइट आ रहा है ना, दौड़ 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 दौड़। अभी विदाउट एसी है, एसी बंद है, ये देखो एसी बंद है, ये विदाउट एसी। अभी इंजन का कंडीशन देखो क्यों ये बंद हो रही है, भी देखेंगे। थ्रोटल बॉडी का इशू है तो इसको भी करेंगे आज, यार आज इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी दिखावेंगे कैसी है, खोल के अंदर से ही खोलेंगे सब कुछ। तो मैंने डायग्नोस किया है, मुझे थ्रोटल बॉडी में कमी लग रही है, क्योंकि बाकी मिसिंग तो गाड़ी के अंदर है नहीं बिल्कुल ही। तो थ्रोटल बॉडी में कुछ कमी है इसके अंदर, अभी खोल के इसको बखेरता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, क्यों आइडल रुक नहीं रहा इसी पे। तो इसलिए मैंने पूरा बाहर निकाल लिया, अभी इसे खोलते हैं। वो युवा है शेवरलेट की युवा, ठीक है। अब ये फेविया का भी करने वाले हैं, इसका इंजन उतार रहे हैं, यार बहुत काम है यार, अभी लाइन से गिनती नहीं है गाड़ियाँ, उधर देख रहे हो दूर तलक हो गाड़ी, ये देखो उधर काम हो रहा है कार में, ऐसे तो इसलिए अभी देखो वो एक्सेंट में काम हो रहा है उधर, ये इंजन उतरा पड़ा है इसका। पता है क्या भैया, अभी एक बहुत प्रेशर है काम का, बाहरी गाड़ियाँ नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं भाई पंगा क्या है इसके अंदर, क्योंकि आइडल पे रुक नहीं रही है गाड़ी चलाते हुए, वैसे खड़ी गाड़ी में तो रुक भी रही है, चलाते हुए बिल्कुल ही ना रुक रही है। और इसके अंदर क्यों काम क्यों नहीं कर रहा है आइडल पे, और एसी ऑन करते ही काम छोड़ दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेक करने वाला हूँ आज। और ये मुझे लग रहा है कि इसका मोटर ख़राब हो गया है जाने, ओए होए, ये रहा देखो जाम हो गया, यहाँ पास में करो, ये देखो ये देख रहे हो ना, इसके इसके यहाँ पॉइंट पे देखो,
देख रहे हो ना, कुछ फंसा हुआ है जिसकी वजह से आइडल रुक नहीं रहा है इसका। ये देखो आइडल पे देख रहे हो ना कैसे इस पे कुछ फंस रहा है, जिसकी वजह से जो है ना आइडल जो रुकना चाहिए, जो ECM के थ्रू सारे सेंसरों को कंट्रोल करके उसका सिग्नल लेके इसको आइडल पे रोकता है इंजन को, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ सीज हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं ये पूरा, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे कि आखिर सीज क्यों हुआ, इसको रिपेयर करते हैं आज। और थ्रोटल बॉडी रिपेयरिंग का ये मेरा पहला वीडियो है यार, आप लोग देख सकते हैं, थ्रोटल बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, ठीक है। तो इसको आज रिपेयरिंग करेंगे, तो देखता हूँ मैं भी खोल के क्या चक्कर क्या है, ऐसा क्यों कर रही है ये, ठीक है। ये देखो ये जैसे हाथ से ऐसे प्रेस करते हैं ना, ये दोनों सीज हो चुका है। ये देखो ये पूरा ऐसे हाथ से प्रेस करने पे, ये देखो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है ना, ये सीज हो चुका है। अब इसको पहले फ्री करेंगे, क्योंकि ये फ्री नहीं रहेगा तो मोटर कहाँ से यार, मोटर घूम घूम करे और ये आगे पीछे हो गए ना, तो हाथ से करने से ही आगे पीछे होता है। अब मैंने खसकाया है, ये देखो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये देख रहे हो ना कुछ आया हुआ है इसके अंदर, ये गरारियों के बीच में ऐसा है तीली वीली या पता नहीं क्या है, ये आया हुआ है देखो, कुछ ना कुछ इसके अंदर फंसा है देखो। तो इसको पूरी सफाई करेंगे पहले, जब ही सीज हो गया था ये ऐसे फ्री घूमता है ऐसे, देख रहे हो ऐसा वापसी रिटर्न आता है। ये देखो अब वहीं आगे फंस जाएगा, क्योंकि जैसे ऑन करेंगे ना तो दो दांता ये आउट जाता है, अंदर जाता है, ऐसे घुसता है, पर वहाँ सीज है तो इसलिए जा नहीं रहा है, इसलिए आइडल पे बंद हो जा रही है, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा, मोटर वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो इसको फ्री करता हूँ सबसे पहले, तब उसे लगा के देखता हूँ। कुछ ऐसा आइटम आके उसमें फंस गया, लेकिन यार आइटम तो वैसे भी जाता नहीं है। इसके अंदर तो पूरा पैक रहता है, ये गया कैसे यार, पूरा फ्री। हाँ ये देखो ये अड़ रहा है ना, ये पूरा फ्री। हाँ देखो ये पूरा फ्री आना चाहिए, क्योंकि पहले ऑन करते ही पहले इधर मारता है फिर उधर ले जाता है इसको, हाँ ऐसे यहाँ पे ले आकर रोकता है। तो ये पूरा फ्री होना चाहिए। अब पता नहीं मोटर ख़राब हो गई है कि सही है यार, क्योंकि ऐसे में एक जगह फिक्स रहने से मोटर फूकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। चलो हल्की सी ग्रीसिंग लगा दो, बस बस बिल्कुल मामूली सा जरा सा बस, ठीक है फ्री हो गया ना। चलो और लेना है तो और ले लो, ना बस फ्री होना चाहिए, बस बिल्कुल फ्री रहेगा तभी तो आइडल काम करेगा। अब कैसे एडजस्टिंग करनी है आइडल की, मोटर तो घूम 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 करती होगी यार, यहाँ जाम हुआ पड़ा है तो कहाँ से काम चलेगा, हाँ ठीक है। कपलर लगा दिया मैंने, अब ऑन ऑफ करके चेक करा रहे हैं, खाली ऑन करना है, स्टार्ट मत कर देना। करो ऑफ, करो चाबी ऑफ करो, बस ऑन करो जरा, ऑफ करो ऑफ करो ऑफ, हाँ तो बस, यानी पूरा नहीं अभी भी जो होना चाहिए स्मूथनेस वो नहीं आया अभी। ऑन करो एक बार, ये देखो रुक गया ना यहाँ, ये देखो इतना पे होना चाहिए, अभी हाथ से किया अब नहीं जाएगा, अब अभी इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी नहीं जा रहा। चलो काट दो चाबी, काटो चाबी ऑफ कर दो, कर दिया ऑफ,
आवाज तो कर रहा है मोटर, लेकिन पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर। अब अभी भी अटक रहा है इसमें। कोई बात नहीं, दोबारा इसे खोल लेते हैं। अटकने की परेशानी है तो दोबारा खोल लेते हैं। ये है थ्रोटल बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, ठीक है। एक सेकंड, ढक्कन उठाना जरा पेंटर साहब आप, ठीक है। इतना इधर, इतना इधर, बस इसकी साफ सफाई होगी। अब फ्री हो गया चारों तरफ से। तो कटोरा रखा हुआ बिटिया के सर पे, हद हो गई तो मजा आया। उल्टा है अब मैंने जो है ना इसके वैसे ही फिट कर दिया, और ये सॉकेट में लगा देता हूँ। आ जा, सॉकेट लग गया। अब ये खुला ही है, अब देखते हैं पहले काम करता है कि नहीं करता है, कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया, मैनुअली रीसेट का कोई भी कपलर डिसकनेक्ट करो, मैनुअली रीसेट करना बहुत जरूरी है। एक, दो, तीन, बस अब स्टार्ट कर लो। अब देखो एसी चल रहा है अंदर, ठीक है। एक्सीलेटर वायर अभी लगाया नहीं है मैंने, ठीक है। अब मैं आरपीएम आपको दिखा देता हूँ। अभी चेक की इंजन लाइट आ रही है, ठीक है। गाड़ी चला फिरा के भी देखा मैंने, स्टार्ट करके रखा काफी देर तक। अभी एसी चल रही है अंदर, ठीक है। अब थ्रोटल बॉडी चेक कराता हूँ, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ देखो, आ जाओ आ जाओ, अभी एसी चल रहा है बिल्कुल चिल रहा है। ये देखो बिल्कुल, ये देखो कपलर मैंने जैसे निकाला, अभी बढ़ गया ना रेस। अब मैंने इस कपलर को, ठीक है, एसी भी बढ़िया चल रहा है, तो ये काम कर रहा बढ़िया। अब एक्सीलेटर वेट, क्योंकि इसमें बढ़ाने का तो कोई लफड़ा होता नहीं है कि हम कहीं से बढ़ा दें, तो इसलिए अब ये है कि बिल्कुल ओके है। एसी वैसे बेहतरीन से काम करने लगा, और एक एसी चल ही रहा है तो आपने देखा ही। अब ये होता था ना कि बंद करते थे तो गाड़ी बहुत तेज वो करती थी, बंद हो जाती थी गाड़ी। अभी देखो, ठीक है, बंद ही स्टार्ट है, देख रहे हैं ना आरपीएम। एसी ऑन है, अभी एसी पे चल रहा है, ठीक है। पहले एसी ऑन करते ही बंद हो जाता था, अभी एसी बंद कर रहा हूँ। ठीक है आइडल, अब एसी ऑन, एसी ऑन है। वो थ्रोटल बॉडी का पंगा था, थ्रोटल बॉडी मैंने कर दी बढ़िया करके। अब उसे कंप्लीट कर लेता हूँ मैं थ्रोटल बॉडी को। अभी मैंने कवर लगाया नहीं था, पर मैं कवर को लगा देता हूँ। अभी एसी पे आए, एक बार रेस देके छोड़ते हैं तो बिल्कुल, देख रहे हो ना, रेस देके छोड़ने पे भी पहले ऑन करते ही बंद हो जाते थी, लेकिन वो प्रॉब्लम खत्म हो गए क्योंकि थ्रोटल बॉडी का गरारी जाम हो गया था उसका। तो वैसे तो हर आदमी ना खोले उसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खोलने पे जो है ना मामला हो जाता है ख़राब। जो जानता है उस वही खोले,
ठीक है। अब रही चेक इंजन लाइट की, तो उसको मैनुअली रीसेट करते हैं, क्योंकि चेक इंजन लाइट भी तो है, और कवर लगाते हैं, मैनुअली रीसेट करते हैं इसे, फिर लाइट वाइट ओके हो जाएगी। अब मैंने मैनुअली रीसेट कर दिया इसका, अब देखते हैं चेक इंजन लाइट आ भी रही है, ठीक है। तो मैनुअली रीसेट आप कर सकते हैं ऐसे ही जैसे मैंने किया है। एसी भी ऑन है बढ़िया, तो ऐसे ही जो है मैनुअली रीसेट का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उससे आप कर सकते हैं मैनुअली रीसेट का। चूंकि एक मिनट में पता है क्या है, चूंकि देखो गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो लाइट नहीं जाएगी बिना इस कार स्कैनिंग के। यदि प्रॉब्लम आपने ख़त्म कर दी तो लाइट बेझिझक चली जाएगी। मैनुअली रीसेट का जो मेरा वीडियो है ना, उससे क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम ख़त्म कर दी आपके आपने अपनी गाड़ी की, तो फिर वो लाइट जानी ही जानी है मैनुअली रीसेट में। यदि प्रॉब्लम है तो नहीं जाएगी भाई, फिर तो आपको कार स्कैन करवानी पड़ेगी, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कार स्कैन करवानी पड़ेगी, कहाँ से पंगा। लेकिन यदि प्रॉब्लम ख़त्म कर दी आपने, पकड़ लिए फॉल्ट को, तो जाएगी जाएगी डेफिनेटली। तो यही था, अभी एसी पे ट्राई ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेट है। अभी चेक इंजन लाइट भी देखो सही है, चेक इंजन लाइट आई नहीं जब से मैं काफ़ी चलाया फिराया, भी एसी ऑन है, ठीक है। और ये देखो ऑन रोड ही हूँ, मेन रोड पे, तो अभी रास्ते में ही चेक कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। आरपीएम भी स्टेबल है, नो चेक लाइट, एसी भी ऑन। तो यही था भैया थ्रोटल बॉडी का पंगा, थ्रोटल बॉडी कैसे करते हैं, यही था दिक्कत।